राजकीय पशु औषधालय में पशु स्वास्थ्य रक्षा पखवाड़ा 2018 के तहत खुरपका एवं मुहपका रोग के रोकथाम के लिए टीकाकरण एवं 20वीं अखिल भारतीय पशु गणना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वार्ड पार्षद रीना देवी के द्वारा जिला पशुपालन पदाधिकारी की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सिद्धनाथ राय जिला पशुपालन पदाधिकारी ने उपस्थित पशुपालकों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति भोजपुर जिला के सभी 14 प्रखंडों में दिनांक 30/11/2018 से दिनांक 14/12/2018 तक घर घर जाकर प्रत्येक ग्रामों में टीकाकरण कार्य किया जाएगा, जिसके लिए कुल लगभग 225 निजी टीकाकर्मियों की सेवा ली जा रही है। भोजपुर जिले में टीकाकरण का कुल लक्ष्य 3,62,000 डोज का रखा गया है। पशु गणना का कार्य टैब के द्वारा घर घर जाकर उसके लिए अलग से कर्मी द्वारा पशु गणना का कार्य किया जाएगा। वार्ड पार्षद द्वारा उद्घाटन क्रम में पशुपालकों से आग्रह किया गया कि सरकार इसी पशु गणना 2018 जो है इसका उद्घाटन आज किया गया। ये 3 महीना कार्यक्रम चलेगा। इसमें सबसे बड़ी व्यवस्था है कि पिछले बार हम लोग कागज़ पर करवाते थे पशुगणना, लेकिन इस बार जो है ये टैबलेट के माध्यम से ये सारा डाटा एंट्री वगैरह सब इसी में होगा। इसके माध्यम से जो है इसी में सब कुछ डाटा भरना है, किसान का नाम, पशुधन की संख्या और वो कौन सा जाति है, ब्रीड है, नस्ल है, सब गाय भैंस भेड़ बकरी जितने भी पशुधन है। और मत्स्य के लिए भी इस बार पशुगणना हो रही है कि मत्स्य का भी फिगर इसमें आएगा इस बार। और ये डाटा डेली का डेली जो है गांव में जाकर के भरना है, क्योंकि हर गांव का एंगल इसमें लोड है, उससे जरा से भी डेविएशन अगर होगा तो वो डाटा इसमें नहीं लेगा। ये अगर कोई चाहता है कि गांव में जाकर हम कागज़ पर भर लें और यहां आकर के भरेंगे तो ये डाटा नहीं लेगा, मतलब डोर टू डोर जाकर, हाँ डोर टू डोर एकदम जाकर के पशुपालक के घर पर इस टैबलेट के माध्यम से वही फिगर भरना है और वो सीधे फिगर आपका ऑनलाइन हो जाएगा NIC के सेंटर पर। इसलिए चाह करके भी इसको कोई डिलीट नहीं कर सकता है। इसलिए इस बार की खासियत विशेष व्यवस्था यही है कि टैबलेट के माध्यम से इसमें सिम डाला हुआ है और हर डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है उनका पासवर्ड और यूजर आईडी इसमें लोड है। उसके अलावा इससे लोगों को क्या मतलब, इससे लोगों को यही फायदा होगा कि 2012 में पशुगणना हुई थी और ये 2018 में हो रही है, तो उसके बाद पशुगणना में विकास हुआ है कि नहीं, पशुओं की संख्या में, मुर्गी पालन का है आकलन होगा कि लेयर्स का है तो कितना अंडा उत्पादन बढ़ रहा है, मिल्स कैटल का है तो दुधारू पशु का तो दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी हुआ है कि क्या हुआ, बकरी का है, भेड़ का है, उनका उत्पादन कैसा हो रहा है, ये सारा फिगर जो इस डाटा के माध्यम से इकट्ठा होगा। और ये 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर इस डाटा को फाइनल करके बिहार सरकार के साइट पर जाएगा और वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चेकिंग हुआ पूरे राष्ट्रीय स्तर का डाटा जब एक हो जाएगा तब ये डाटा का पब्लिकेशन किया जाएगा, तक जाएंगी और उसमें मेन इस डाटा का उपयोग होता है सरकार की योजना के लिए, पंचवर्षीय योजना जो भी बनती है उस पर इस डाटा का सहयोग करेंगे हमारे। और पशुपालकों से आप लोगों के माध्यम से मेरा अनुरोध होगा कि वो अपना जो भी चीज़ है पशुधन की संख्या सही सही बताएंगे, ताकि ये न छिपाएं कि हाँ साहब डर से कि कोई सरकारी आदमी आ गया हमारा गलत रिपोर्टिंग हो जाएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं इसमें। वो उनका डाटा एक एक चीज़ का, दूध उत्पादन होता है तो कितना होता है, मछली उत्पादन होता है तो कितना होता है, अंडा उत्पादन, ताकि उससे सरकार ये अंदाज लगा ले, आंकड़ा तैयार करे कि हम जो 5 वर्ष में विकास की योजना जो चालू किए उससे जनता को फायदा हुआ या घाटा हुआ, ये सब